गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर में आज आपके सामने डेवऑप्स का लेक्चर नंबर 19 लेके, जिसमें आज हमें पढ़ना है कि भैया एट्रीब्यूट्स क्या होता है। शेफ के अंदर एट्रीब्यूट्स बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, इंटरव्यू में बहुत सारे सवाल आते हैं और एक बिगनर के लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है, कैसे इस्तेमाल होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे और एक बिगनर लेवल पे आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आज के लेक्चर के बाद कि भैया एट्रीब्यूट क्या होता है। आप मास्टर हो जाएंगे एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद जो चीजें हैं वो रियल टाइम में जब आप अप्लाई करेंगे, जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो डेली आप नई नई चीजें सीखेंगे, बट जो आपकी फंडामेंटल चीजें हैं वो हम आज क्लियर कर लेंगे। देखिए, आप वर्ड्स लिखना तभी सीख सकते हैं जब आपको ये पता होगा ए किसे कहते हैं, बी किसे कहते हैं। कैट लिखना आप सीख जाओगे, हैट लिखना आप सीख जाओगे अगर आपको ये पता है कि एच क्या होता है, ए क्या होता है, टी कैसे लिखा जाता है। तो आज मैं वो बुनियादी बातें आपकी क्लियर करने वाला हूं एट्रीब्यूट से रिलेटेड। तो सबसे पहले बात यह आती है कि भैया एट्रीब्यूट क्या होता है, ठीक है। आप सभी नए लोग हैं, जो भी पढ़ रहे हैं उनको कुछ नहीं पता अभी एट्रीब्यूट्स के बारे में, ये क्या चीज है क्या नहीं है। तो देखिए, शेफ का काम क्या है, शेफ है एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल जो क्या करता है, जो आपकी सपोज आपके पास मशीनें हैं, उन मशीनों के ऊपर जो है आपके पास जो नोट बनी हुई है, इन नोट्स के ऊपर क्या करता है शेफ, इन नोट्स के ऊपर कॉन्फ़िगर करता है जो भी चीजें आपको कॉन्फ़िगर करनी है। फॉर एग्जांपल, आपको लिनक्स मशीन जो है वो 1000 सर्वर्स के ऊपर, 1000 मशीनों के ऊपर आपने इंस्टॉल करनी है, तो शेफ क्या करेगा, शेफ सर्वर उन सब पे इंस्टॉल करेगा, ठीक है ना, यही काम होता है। इसी तरीके से एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का क्या काम है, एट्रीब्यूट होते हैं कुछ आप कह लें की और वैल्यूज, की और वैल्यूज आप कह सकते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब है की वैल्यू। अब की वैल्यू से क्या मतलब है, देखिए ये समझे आप। देखिए, जब हम इन मशीनों के लिए कोड लिखेंगे तो हम इनके लिए फिक्स कोड नहीं लिख सकते, ठीक है। इसको समझने के लिए चलो एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल, सपोज करें आप, मैंने एक कोड लिखा है, उस कोड में मेरे पास 10,000 जगह, मेरी कंपनी का एक कोड है और वहां पे 10,000 जगह जो है इस तरीके से मेरी कंपनी के सीईओ का नाम जो कि क्या है, भूपिंदर है, वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे 10,000 जगह जो है वो भूपिंदर लिखा हुआ है पूरे एक कोड के अंदर। सपोज करें 500 पेजेस की एक फाइल है जिसमें सीईओ का नाम मेंशन है, भूपिंदर, ठीक है। अब 5,000 जगह मान लें आप, या 10,000 जगह मान लें कि 10,000 जगह जो है वो मेरा नाम मेंशन है, भूपिंदर नाम मेंशन है, ठीक है, जो सीईओ का नाम है। तो मैंने कोड इस तरीके से लिखा कि मैंने पूरे कोड में भूपिंदर जहां जहां मेरे को लिखना था मैंने लिख दिया, ठीक है ना, कि भूपिंदर इज अ ऑनर ऑफ टेक्निकल गुफ्तगु, इज अ ऑनर ऑफ दिस, या इज अ एक्सपीरियंस ऑफ दिस, ठीक है, भूपिंदर इज डूइंग दिस थिंग। तो इस तरीके से मैंने एक पूरा एक कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अब फ्यूचर में क्या होता है कि मेरी कंपनी का जो सीईओ है वो चेंज हो जाता है और मेरी कंपनी का सीईओ बन जाता है सपोज मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, उसने मेरे चैनल को खरीद लिया, ठीक है, टेक्निकल गुफ्तगु को उसने खरीद लिया फॉर एग्जांपल। अब मेरी कंपनी का सीईओ हो गया मार्क जकरबर्ग। अब 10,000 जगह हमें वो नाम बदलना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोड को दोबारा लिखना पड़ेगा जहां पे हम हर जगह चेंज करेंगे, या फिर वन बाय वन मुझे अगर यहां पर भी करना है तो उस पूरे कोड को मैं निकालूंगा और जहां जहां भूपिंदर लिखा होगा वहां चेंज करके क्या करूंगा, मार्क जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग। अब 10,000 जगह ये काम करना है, ठीक है, मुश्किल काम है, बेहद मुश्किल काम है। अब ये काम चलो ये एक बार हुआ, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर यही काम आपको डेली करना है, आज आपने 10,000 बार बदला है, अब अगले दिन आपको मार्क जकरबर्ग की जगह लिखना पड़े सपोज करें एलन मस्क, है ना, आपको अब एलन मस्क लिखना पड़े, तो आपको अब ये काम डेली करना है। फॉर एग्जांपल डेली आपको वो नाम चेंज करना है, फॉर एग्जांपल ऐसा मान के चलते हैं, तो 10,000 जगह डेली वो नाम चेंज करना पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई बजाय मार्क जकरबर्ग के आप सीईओ डिफाइन कर दो और सीईओ में इक्वल टू करके आप यहां पे नेम दे दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां भूपिंदर लिखने की जगह हम अपने कोड को इस तरीके से लिखेंगे कि जहां जहां भूपिंदर लिखना था वहां हम सीईओ लिखेंगे, ठीक है। सीईओ क्या होगा, हमारा की हो जाएगा की, और इसमें आने वाला नाम सपोज अगर मैंने यहां पे लिख दिया भूपिंदर तो अपने आप ये वैल्यू जो है उठ जाएगी, दिस इज वैल्यू, की एंड वैल्यू। तो
अपने आप सीईओ की जगह यहां क्या आ जाएगा, भूपिंदर आ जाएगा, क्योंकि मैंने डिफाइन कर दिया कि मेरी की इक्वल टू जो वैल्यू है, ये मेरी की है, ये मेरी वैल्यू है, तो मैं की का इस्तेमाल यहां पे करूंगा कोड में हर जगह, और उसकी जो वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिक वहां पे आ जाएगी। समझ में आ रही है आपको बात? यानी अब मुझे यहां पे जो भी मैं यहां पे, अब सपोज करें अगले दिन मार्क जुकरबर्ग ने मेरी कंपनी खरीद ली, तो यहां पे मैंने सिर्फ एक जगह यहां पे की जो वैल्यू है, सीईओ की वैल्यू जो है वो मुझे चेंज करनी है और मार्क जुकरबर्ग करनी है। ऐसा करने से क्या होगा, अपने आप जहां जहां भूपिंदर लिखा होगा वो चेंज होकर मार्क जुकरबर्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब की वैल्यू क्या है, मार्क जुकरबर्ग है। अगर अगले दिन यही कंपनी एलन मस्क ने खरीद ली तो अब क्या होगा, अब यहां पे अपने आप, अगर आपने यहां लिख दिया सीईओ इक्वल टू एलन मस्क, कोड में आपको सिर्फ एक जगह लिखना पड़ेगा एलन मस्क, अपने आप पूरे कोड में जहां जहां सीईओ लिखा होगा उसकी जगह अपडेट होकर, जहां सीईओ का नाम सपोज मार्क जुकरबर्ग लिखा होगा वहां अपडेट होकर अब क्या हो जाएगा, एलन मस्क हो जाएगा, क्योंकि आपने उस नाम को अब बदल दिया यहां पे। तो दिस इज द एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट इस की वैल्यू पेयर को ही कहते हैं जो हम ये डिफाइन कर रहे हैं ना, सीईओ इक्वल टू एलन मस्क, तो ये मेरी की है और ये मेरी वैल्यू है, इसी पेयर को कहा जाता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट यानी हम हार्ड कोडिंग नहीं करते, हम फिक्स नहीं करते किसी चीज को, उसकी बजाय हम उसे वेरिएबल की फॉर्म में रखते हैं। वेरिएबल ऐसी चीज जो बदली जा सके, हम कहते हैं हम सीईओ इक्वल टू नेम कर देते हैं, अभी हमने सीईओ इक्वल टू एलन मस्क कर दिया, फ्यूचर में हम ये नाम अगर बदल के यहां पे भूपिंदर कर देंगे तो कोड में जहां जहां भी मेरी वेबसाइट में या जहां पर भी एलन मस्क लिखा था वो भूपिंदर हो जाएगा। तो उसी चीज को की वैल्यू पेयर को एट्रीब्यूट कहा जाता है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी पिक्चर की एट्रीब्यूट क्या होता है। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट यह है कि यार देखो मेरे पास अगर यहां 1000 सर्वर है तो हर सर्वर की अपनी कुछ जो है डिफॉल्ट सेटिंग्स होंगी, अपनी कुछ आइडेंटिटी होगी, जैसे इस सर्वर का नाम हो सकता है, इस सर्वर का नाम डेटाबेस सर्वर हो, है ना, अब इस सर्वर का नाम जो है, इस सर्वर का नाम कुछ और हो, एक्स वाई जेड हो, अच्छा इसका आईपी एड्रेस होगा सपोज करें आप 10.1.1.1, इसका आईपी एड्रेस है सपोज करें 10.20.20.1, तो अब सबकी सेटिंग अलग होगी, इसका आईपी एड्रेस अलग होगा, इसका नेम अलग होगा, इसके अंदर और बाकी फाइल फोल्डर अलग होंगे, तो हमने अपना कोड इस तरीके से डिजाइन करना है कि उसकी अपनी आइडेंटिटी आए। अगर मैं यहां पे अपने कोड को लिखते टाइम ऐसा कोड लिख दूं जहां पे मैं आईपी एड्रेस डिफाइन कर दूं 10.1.1.1, तो क्या होगा, सारी मशीनों का जब मैं आईपी एड्रेस चेक करूंगा तो मुझे ये नजर आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कोडिंग में ही फिक्स कर दिया है ये। बजाय इसके मैं क्या करूं कि मैं एट्रीब्यूट डिफाइन कर दूं आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस इक्वल टू मैं कर दूं कि भाई मेरा आईपी एड्रेस जो है ये मेरी की है और इसकी वैल्यू अपने आप आ जाए। ठीक है, कहां से आएगी, वो नोड में से आएगी, वो अभी हम सब सीखेंगे। तो अपने आप वो नोड का आईपी एड्रेस उठाए और वो शो करे आपको। तो बजाय इसके कि हम फिक्स कर दें, हम वहां की वैल्यू पेयर में एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हर मशीन जब हम उससे पूछेंगे आपका आईपी एड्रेस क्या है तो वो अपना ही आईपी एड्रेस बताएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने सेटिंग ऐसे की हुई है कि वो अपने आप उसकी जो चीजें हैं वो नजर आए। तो इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपने 1000 मशीनों को कॉन्फ़िगर करना है तो वो अपने, उनकी जो डिटेल्स है वो सबकी अलग अलग भी रहेंगी और कोई इशू नहीं आएगा। जिसकी जो इंफॉर्मेशन है वही वो दिखाएगा। हम इस तरीके से कोड को लिख सकते हैं। तो जनरली मशीनों को कॉन्फ़िगर करते टाइम हम जनरल फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। इसे आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक जनरल फॉर्मेट है, जनरल फॉर्मेट इन द सेंस कि हर मशीन अपने अकॉर्डिंग उसमें ढल जाएगी। ठीक है, हमने जैसे आईपी एड्रेस लिख दिया तो अब उसका जो भी आईपी एड्रेस होगा वो हमें वो दिखाएगा। ठीक है, हम इस तरीके से इसको लिखते हैं। तो दिस इज नोन एज एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट की एक आइडिया आपको ओवरऑल मिल गया होगा। अच्छा, होता क्या है, अब जैसे कि मेरे नोड के अंदर क्या होता है, हर मेरी नोड के अंदर ओहाई होता है नहीं होता है, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स कहां स्टोर रहते हैं, ओहाई में रहते हैं। ठीक है, तो जब भी हम कभी कोई नया एट्रीब्यूट के लिए कॉल करेंगे, शेफ क्लाइंट को रन कराएंगे, तो शेफ क्लाइंट हमेशा क्या करेगा, तो मेरा शेफ क्लाइंट भी चल रहा होता है यहां पे, है ना, आपको पता ही है। शेफ क्लाइंट क्या करेगा, वो पहले ओहाई में चेक करेगा कि मेरी करंट कॉन्फ़िगरेशन क्या है और मेरे एट्रीब्यूट क्या है। उसके बाद वो शेफ सर्वर, सपोज यहां मेरा शेफ सर्वर लगा हुआ है, तो उसके बाद वो शेफ सर्वर में जो जाएगा और वहां से पुल करेगा, और पुल करने के बाद वो अब कंपेयर करेगा कि मेरी पहले एट्रीब्यूट्स क्या थे, प्रीवियस मेरी की वैल्यू क्या थी और करंट क्या है। अगर उनमें कोई चेंजेस है तो फिर वो उन्हें अपडेट करेगा। बात आपको समझ आ रही है? सपोज करें अगर यहां पे आईपी एड्रेस अभी चल रहा था 10.20.20.20,
ठीक है, मैंने शेफ क्लाइंट को रन कराया, आपको पता है कैसे कराते हैं, ठीक है ना। शेफ क्लाइंट रन के लिए क्या करते हैं, हाइफन जेड आर लगा के जो हम लिखते हैं, ठीक है, पहले कुकबुक का नाम लिखते हैं, फिर डबल कॉलन लगा के रेसिपी का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से हम शेफ क्लाइंट को रन कराएंगे। अब शेफ क्लाइंट के पास ओहाई में अभी ये आईपी एड्रेस स्टोर है, बट सपोज करें कि इसका जो आईपी एड्रेस है वो अपडेट हो गया, चेंज हो गया, बट ओहाई के पास अभी ये है। ओहाई को कब तक अपडेट नहीं होगा, जब तक कि हम सर्वर से अपडेट नहीं करवाएंगे। तो अब शेफ क्लाइंट यहां जाता है, अपनी इंफॉर्मेशन लेता है और पता चलता है भाई आईप का आईपी एड्रेस जो है, हालांकि आईपी एड्रेस के लिए से वहां, चलो छोड़ो ये एग्जांपल मान के चले, चलो मैं इसकी जगह नाम कर देता हूं कि अभी ओहाई में इसका नाम स्टोर है वेब सर्वर, ठीक है। और मैंने अब यहां पे शेफ सर्वर में इसके नाम को चेंज करके क्या कर दिया है, मैंने कर दिया है डेव सर्वर, ठीक है, ये मैंने कर दिया है। तो जब भी हम शेफ क्लाइंट को रन कराएंगे तो वो पहले चेक करेगा कि भैया मेरा नाम क्या है, तो वो देखेगा जी वेब सर्वर है। अब वो उसको कंपेयर करेगा अपने शेफ सर्वर के रेसिपी के साथ, वहां पे जब वो कंपेयर करेगा बोलेगा यार यहां तो डेव सर्वर आ रहा है, इसका मतलब कुछ अपडेट हो गया है। तो अब वो ओवरराइट करके यहां क्या कर देगा, डेव सर्वर कर देगा, वो अपडेट कर देगा, ठीक है, तो वो उसको अपडेट कर लेगा, ठीक है। इस तरीके से फिर ये अपडेट होता रहता है क्योंकि हमने जनरलाइज फॉर्म में कोड को लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये एट्रीब्यूट पूरे रन किए जाते हैं। अब एट्रीब्यूट कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, एक बिल्कुल आपको इस तरीके से मैं एक फिगर बनाऊंगा आप, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप उस फिगर को बस दिमाग में रख लीजिएगा, इंटरव्यू के 99% क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो अब उसकी बात करते हैं। तो जी ये है हमारा एट्रीब्यूट का पूरा एक ही स्क्रीन के अंदर आपको नजर आ जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, ठीक है, तो कोई आपको दिक्कत ना आए, आई होप आपको नजर आ गया होगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने एट्रीब्यूट को प्रॉपरली डिफाइन किया, एट्रीब्यूट से जुड़ी हुई सारी बातें यहां पे लिखी हैं। इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो इन्हीं से जुड़ी हुई चीजें पूछी जाएंगी। जैसे कि पहली बात, एट्रीब्यूट क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए इसकी डेफिनेशन क्या है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, एट्रीब्यूट इज अ की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर कैसे, जैसे सीईओ इक्वल टू भूपिंदर राजपूत, तो की क्या हो जाएगी, वो चीज जो बदलेगी नहीं, बदलेगा क्या, वैल्यू बदलेगी, सीईओ नहीं बदलेगा कभी भी, आगे की वैल्यू बदलेगी। सपोज यहां पे भूपिंदर आ गया तो सारी जगह पे भूपिंदर नजर आएगा, यहां पे बदल के मैं मार्क जुकरबर्ग कर दूंगा तो मार्क जुकरबर्ग, यानी की मेरी फिक्स रहेगी, मेरी वैल्यू जो है ये बदलती रहेगी, ठीक है, और उस अकॉर्डिंग पूरे कोड में वो चीज भी बदल जाएगी। तो एट्रीब्यूट क्या होता है, इसी कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, की और वैल्यू इसके जोड़े को जो होता है उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। एट्रीब्यूट इज अ की वैल्यू पेयर विच रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक डिटेल अबाउट अ नोड, यानी किसके बारे में बताता है, नोड के बारे में बताता है, यानी एट्रीब्यूट किसके लिए इस्तेमाल होता है, नोड के लिए इस्तेमाल होता है, नोड की चीजें बताता है, जैसे नोड का आईपी एड्रेस हो गया, नोड का नेम हो गया, नोड में कितनी रैम है ये हो गया, नोड में कितने यूजर है ये हो गया, इस तरह की चीजें नोड के बारे में स्पेसिफिक डिटेल बताएगा। वो क्या बताती है, एट्रीब्यूट बताती है, और वो हर नोड की अलग हो सकती है, हो सकता है किसी नोड में 4 यूजर हो सकता है किसी नोड में 10 यूजर हो, तो सबके अलग अलग एट्रीब्यूट्स है, राइट। तो एट्रीब्यूट क्या होता है, की वैल्यू पेयर, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, एट्रीब्यूट शेफ क्लाइंट, शेफ क्लाइंट इसको इस्तेमाल करेगा, या हम कहते हैं कि शेफ क्लाइंट के थ्रू हम इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि शेफ क्लाइंट कहां होता है, ऑब्वियसली नोड पे ही होता है। नोड के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है ओहाई और एक होता है शेफ क्लाइंट, ये आपको पता है। तो कौन यूज करेगा, ऑफ कोर्स इस एट्रीब्यूट्स को इस्तेमाल कह लें आप, या ये कह लें कि कौन इसके साथ डील करेगा, शेफ क्लाइंट डील करेगा, क्योंकि शेफ क्लाइंट ओहाई से पूछेगा, अच्छा भाई अभी मेरे पास क्या डिटेल है, वो कहेगा जी अभी ये आईपी एड्रेस है, मेरी मशीन का नाम ये है, फिर शेफ क्लाइंट जाएगा शेफ सर्वर के पास, यहां पे सपोज मेरा शेफ सर्वर बना हुआ है, अब वो शेफ सर्वर में चेक करेगा कि जी आपके पास क्या डिटेल है, और वो कंपेयर करेगा अपनी पुरानी डिटेल्स को नई वाली के साथ, और अगर कोई चेंजेस है तो अपडेट कर देगा, है ना। तो यही मेरा तरीका है। तो कौन डील करता है, कौन यूज करता है, शेफ क्लाइंट यूज करता है मेरे एट्रीब्यूट्स को, ये बात आपको समझ आ गई। चलिए इसके बाद व्हाई वी यूज एट्रीब्यूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एट्रीब्यूट क्यों इस्तेमाल करते हैं। देखिए तीन स्टेट के बारे में पता करने के लिए हम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। पहला, करंट स्टेट ऑफ द नोड, फॉर एग्जांपल अभी मेरी नोड का सीईओ कौन है ये पता करने के लिए, तो मैंने कहा जी अभी मैंने जब सपोज करें मैंने कोई कमांड चलाई, ये चेक करने के लिए कि भाई मेरा अभी आईपी एड्रेस क्या है, और उसने मुझे बताया जी अभी आपका आईपी एड्रेस ये है फॉर एग्जाम्पल, तो उससे क्या पता चला, मेरी करंट स्टेट, यानी अभी मेरी करंट स्टेट क्या है उसने मुझे बता दी। तो एट्रीब्यूट का इस्तेमाल हम क्यों कर सकते हैं, टू डिटरमाइन,
पता करने के लिए, क्या करंट स्टेट क्या है, मेरा आईपी एड्रेस क्या है, मेरा मैक एड्रेस क्या है ना, मेरी मशीन का नाम क्या है, इस तरह की चीजें जो है, या जो भी बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर, वो डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे क्योंकि कॉन्सेप्ट को आप समझें पहले। तो इन सारी बातों को, करंट स्टेट को पता करने के लिए, करंट मतलब प्रेजेंट में जो है। दूसरा, व्हाट द स्टेट ऑफ द नोड वाज, वाज मतलब पहले, वाज लगा हुआ है ना, इतनी अंग्रेजी तो मेरे को भी आती है। व्हाट द स्टेट ऑफ द नोड वाज एट द एंड ऑफ द प्रीवियस शेफ क्लाइंट रन, ये कहते हैं क्या स्टेट थी पहले जब लास्ट टाइम शेफ क्लाइंट रन चलाया गया, यानी जब लास्ट टाइम नोड ने जो है सर्वर को कॉन्टेक्ट किया, ठीक है ना, शेफ सर्वर को, उस टाइम क्या थी, उस टाइम क्या सिचुएशन थी, उस टाइम क्या चीजें थी, ठीक है। अगर मुझे यह पता करना है कि प्रीवियस मेरी एट्रीब्यूट्स क्या थे, पहले क्या थे, तो मुझे अगर वो प्रीवियस चीजें देखनी है तो मैं वो भी चेक कर सकता हूं, वो भी देख सकता हूं। और व्हाट द स्टेट स्टेट ऑफ द नोड शुड बी एट द एंड ऑफ द करंट शेफ क्लाइंट रन, और क्या मेरी स्टेट होगी मेरी शेफ क्लाइंट को रन कराने के बाद या उसके बाद, क्या अपडेट हो गया, यानी पहले क्या थी। देखिए तीन चीजें हैं, प्रेजेंट में मेरा नाम क्या है, पहले मेरा नाम क्या था, और मेरा फ्यूचर में नाम क्या होगा शेफ क्लाइंट रन को करने के बाद। समझ आ गई, इसको सीईओ के साथ कंपेयर करें कि अभी प्रेजेंट में सीईओ कौन है, भूपिंदर राजपूत है, प्रीवियस में कौन था, मार्क जुकरबर्ग था फॉर एग्जांपल, और फ्यूचर में कौन होगा, एलन मस्क होगा फॉर एग्जांपल। तो इसका मतलब क्या हो गया, तीन स्टेटें मैं चेक कर सकता हूं, करंट, प्रीवियस और फ्यूचर की, तीनों ही चीजों को मैं पता लगा सकता हूं। फ्यूचर इन द सेंस कि अब जब मैं शेफ क्लाइंट रन कराऊंगा तब क्या स्टेट होगी, या रन कराने के बाद क्या स्टेट हो गई, ठीक है। फ्यूचर का मतलब ऐसा नहीं है आगे वाली बता दूंगा, वो नहीं मैं बता सकता। फ्यूचर का मतलब है, फ्यूचर नहीं हम इसको कह सकते, व्हाट द स्टेट ऑफ द नोड शुड बी एट द एंड ऑफ द शेफ क्लाइंट रन, यानी अब जब मैं अपनी ये कमांड रन करूंगा क्लाइंट रन वाली हाइफन ZR वाली, तो क्या हो जाएगा, तो वो स्टेट क्या आएगी, वो भी मुझे मैं एट्रीब्यूट से पता लगा सकता हूं, टू डिटरमाइन कर सकता हूं। तो ये कुछ चीजें हैं, तीन तरीके ये हैं कि मैं कहां यूज करता हूं, किस काम के लिए। अब टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, वैसे इसका बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, पर हाँ जब आप कोड लिखेंगे, जब आप कहीं भी किसी स्क्रिप्ट पे काम करेंगे, रूबी पे काम करेंगे या जेसन पे काम करेंगे, किसी भी चीज पे काम करेंगे, तो आपको, हालांकि यहां हम शेफ में रूबी का ही इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पे ये डिफाइन होगा, टाइप ऑफ एट्रीब्यूट डिफाइन होगा, सबसे पहले यही लिखा होगा। तो अगर कहीं डिफॉल्ट लिखा है तो हमें समझ जाना है ये एक एट्रीब्यूट का टाइप है, अगर कहीं फॉर्स डिफॉल्ट लिखा है तो हमें समझ जाना है कि ये एक एट्रीब्यूट का टाइप है, नॉर्मल भी एट्रीब्यूट का टाइप है, ये कोड से पहले ही आपको लिखा हुआ मिलेगा। ओवरराइड मिलेगा, फोर्स ओवरराइड मिलेगा, और लास्ट में ऑटोमेटिक, ये एट्रीब्यूट्स की टाइप होती हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आप इन्हें याद कर सकते हैं, डिफॉल्ट फोर्स देखिए बड़ा इजी है, ओवरराइड से फोर्स ओवरराइड बन जाएगा, और डिफॉल्ट से फोर्स डिफॉल्ट, यानी आप डिफॉल्ट और ओवरराइड याद कर लें, दो एक्स्ट्रा याद हो जाएंगी, एक डिफॉल्ट एक फोर्स डिफॉल्ट, एक ओवरराइड एक फोर्स ओवरराइड, तो ये तो दोनों आप इस तरीके से याद रखें। फिर एक है नॉर्मल, एक है ऑटोमेटिक, सिंपल है ना, एक नॉर्मल होती है चीज, एक ऑटोमेटिक होती है। समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप दोबारा समझे, देखो डिफॉल्ट का फोर्स लगा दो, ऐसे ही ओवरराइड के साथ फोर्स लगा दो, एक नॉर्मल है एक ऑटोमेटिक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात किया जो इंटरव्यू में आपसे पूछी जाएगी कि प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है, तो जिस मैंने सीक्वेंस में लिखा है इसी सीक्वेंस में आपको चलना है, इसकी सबसे कम प्रायोरिटी होगी लीस्ट प्रायोरिटी, और इसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी हाईएस्ट प्रायोरिटी, ये आपको याद रखना है। और उसी हिसाब से डिफॉल्ट से ज्यादा किसकी होगी, फोर्स डिफॉल्ट की होगी, फोर्स डिफॉल्ट से ज्यादा किसकी होगी, नॉर्मल की होगी, नॉर्मल से ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, ओवरराइड की, उससे ज्यादा फोर्स ओवरराइड की, और सबसे ज्यादा ऑटोमेटिक की। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सपोज मैंने अगर कोई दो कोड लिखे हैं हूबहू सेम है, लेकिन एक के आगे डिफॉल्ट लगा है और एक के आगे फोर्स डिफॉल्ट लगा है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, दोनों कोड हूबहू सेम है, एक में मैंने सपोज करो लिख दिया डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट करके मैंने लिख दिया माई नेम, ठीक है, और यहां पे मैंने लिख दिया सपोज डिफॉल्ट आ गया, ठीक है। अब मैं यहां पे एक और मैंने एट्रीब्यूट डिक्लेयर किया जिसमें मैंने फोर्स डिफॉल्ट लिखकर किया, मैंने फोर्स अंडरस्कोर डिफॉल्ट, और यहां पे मैंने लिखा हेलो, ठीक है, इस तरीके से मैंने काम किया। तो जब शेफ क्लाइंट जब रन करेगा तो वो ये देखेगा कि यार यहां पे ये डिफॉल्ट है
और ये फोर्स डिफॉल्ट है, प्रायोरिटी इसकी ज्यादा है, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी कोड लिखा नहीं है, मैं जस्ट समझाने के लिए, तो वो किस चीज को इंप्लीमेंट करेगा? अगर सारी चीजें सेम है तो वो इंप्लीमेंट उसे करेगा जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? फोर्स की, क्योंकि फोर्स देखिए यहां नंबरिंग अगर मैं करूं ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो जिसका नंबर ज्यादा है उसकी वैल्यू ज्यादा है, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो यहां पे 2 आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो 2 की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, 2 बड़ा नंबर होता है, तो इसकी प्रायोरिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो वो इस हेलो को प्रिंट करा देगा, इसको इग्नोर कर देगा या ओवरराइट कर देगा, आप ऐसा कह लें, ठीक है। ये चीजें हम समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको, जस्ट एक आइडिया होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, परेशान ना हो। आप सिर्फ इतना याद रखें कि 6 टाइप के हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। सबसे कम प्रायोरिटी होती है डिफॉल्ट की और सबसे ज्यादा होती है ऑटोमेटिक की, लेकिन ऑटोमेटिक आप इस्तेमाल नहीं करते, इसे ओहाई इस्तेमाल करता है अपने आप, ठीक है। तो ऑटोमेटिक को हम शेफ क्लाइंट इस्तेमाल नहीं करता है, इसकी प्रायोरिटी इसलिए हाईएस्ट है क्योंकि ये ओहाई अपने आप इस्तेमाल करता है कुछ बेसिक फंडामेंटल काम करने के लिए, जैसे मशीन का आईपी एड्रेस, वो ओहाई अपने आप मेंटेन करता है, तो वो ऑटोमेटिक के अंदर आता है, ठीक है। तो इस तरह की बुनियादी बातें हैं। तो ऑटोमेटिक की हाईएस्ट प्रायोरिटी है और डिफॉल्ट की लिस्ट प्रायोरिटी है, ये बात समझ आ गई। हालांकि इसका एक प्रायोरिटी चार्ट भी होता है, मैं आपको वो भी बना के दिखा दूंगा, आप नोट डाउन कर लेना। अब एट्रीब्यूट को कौन कौन डिफाइन कर सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि एट्रीब्यूट कहां कहां पर डिफाइन किया जा सकता है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एट्रीब्यूट रेसिपी में ही डिफाइन किया जाता है। तो एट्रीब्यूट जो है आप, अच्छा ये नोड में भी किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, नोड में जो होगा कलेक्टेड बाय ओहाई एट द स्टार्ट ऑफ ईच शेफ क्लाइंट रन, ठीक है। तो एट्रीब्यूट कहां कहां डिफाइन किए जा सकते हैं, ओहाई उसको डिफाइन कर सकता है, शेफ क्लाइंट जब आप रन कराएंगे तो एट्रीब्यूट को जो है वो हमारा नोड पे, ये तो बिल्कुल बेसिक है, ये होगा ही होगा, यानी नोड पे डिफाइन करने का मतलब आप ऐसा समझें कि नोड की जो बुनियादी बातें हैं, जैसे उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसका नेम क्या है, ये सारी चीजें ओहाई भी मेंटेन करता है। तो कौन कौन डिफाइन कर सकता है, हम नोड में उसको डिफाइन कर सकते हैं कि भैया नोड की ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम अगर कोई मकान बनाते हैं कुछ बुनियादी चीजें उसमें बना के देते हैं, जैसे कि हम उसमें बाथरूम बना के देते हैं, कमरे बना के देते हैं, तो वो बुनियादी चीजें हैं, तो वो नोड का काम हो गया कि हमने वो डिफाइन कर दिया, पहले से डिफाइन कर दिया, तो हम नोड में डिफाइन कर सकते हैं। कुकबुक्स के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं रेसिपी में, ठीक है। यहां पे कुकबुक लिखने का मतलब क्या है, एट्रीब्यूट फाइल्स, ठीक है ना, एट्रीब्यूट फाइल्स, तो आप इसको एट्रीब्यूट फाइल्स कह सकते हैं, एट्रीब्यूट फाइल्स, तो आप वहां डिफाइन कर सकते हैं। आप रोल्स में डिफाइन कर सकते हैं, एनवायरमेंट में डिफाइन कर सकते हैं, हालांकि इसको हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं रोल्स एंड एनवायरमेंट को, आई थिंक मैंने रोल्स 2 बार लिख दिया है, ठीक है इसको हटा दें आप यहां से। तो आप रोल में कर सकते हैं, एनवायरमेंट में कर सकते हैं, और रेसिपी, रेसिपी भी अगेन किसके अंदर होती है, कुकबुक के अंदर होती है। तो कुकबुक के अंदर ही आप कह लें, आप खाली कुकबुक लिख लें तो भी काम चल जाएगा, तो अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो आप चार चीजें याद कर लें, आप नोड में डिफाइन कर सकते हैं, कुकबुक में डिफाइन कर सकते हैं, एट्रीब्यूट फाइल में या फिर रेसिपीज में, ठीक है। आप वहां पे एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं, आप रोल्स में डिफाइन कर सकते हैं, एनवायरमेंट में डिफाइन कर सकते हैं, ये धीरे धीरे हम सीखेंगे, ठीक है कोई मसला नहीं है। तो आप चार जगह अपने एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर सकते हैं, यानी की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं चार जगह पे। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, चारों चीजें हो गई। अच्छा जी, यहां एक नोट लिखा गया है, वो नोट इसी से रिलेटेड है, ये बात आपको समझ आ गई, तो ये बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, आप जस्ट लिख के रख लें, एट्रीब्यूट डिफाइंस बाय ओहाई हैव द हाईएस्ट प्रायोरिटी लिखा हुआ है। तो ओहाई किस डिफाइन करता है, ऑटोमेटिक वाला जो पार्ट है वो ओहाई डिफाइन करता है, तो इसकी क्या होगी, हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, यानी ये सबको ओवरराइड कर देगा अगर कोई ऐसी चीज है जो सेम टू सेम है, पर एक में हमने ऑटोमेटिक किया हुआ है, एक में हमने फोर्स ओवरराइड किया हुआ है या डिफॉल्ट किया हुआ है, तो कौन सी चीज मानी जाएगी, इसकी बात मानी जाएगी, ऑटोमेटिक की बात मानी जाएगी, क्योंकि इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, और इसको कौन डिफाइन करता है, ओहाई डिफाइन करता है। उसके बाद जिनकी प्रायोरिटी होती है, इसके बाद कौन से एट्रीब्यूट्स की प्रायोरिटी होती है, फॉलोड बाय एट्रीब्यूट डिफाइन इन अ रेसिपी, तो जो एट्रीब्यूट रेसिपी में डिफाइन किए जाते हैं उनकी प्रायोरिटी इससे कम होती है, ठीक है, ओहाई वाले एट्रीब्यूट से कम होती है रेसिपी वाले की, और उससे भी कम किसकी होती है, जो एट्रीब्यूट फाइल्स के अंदर डिफाइन किए जाते हैं। तो तीन बुनियादी बातें आपको याद रखनी है, ओहाई में जो डिफाइन किए जाएंगे एट्रीब्यूट्स उनकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी, उनकी इंपॉर्टेंस या उनकी जो पावर होगी वो सबसे ज्यादा होगी, उससे कम होगी किसकी, जो रेसिपी में डिफाइन किए गए हैं, और उससे कम होगी जो एट्रीब्यूट फाइल्स में डिफाइन किए गए हैं।
ये बुनियादी बातें हैं। अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जब लैब कराऊंगा एक एक बात आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ये समझ आ गया ना एट्रीब्यूट का मतलब क्या? एट्रीब्यूट का मतलब है जब मैं कोई कोड लिख रहा हूं तो वहां पे मैं फिक्स कोड लिखने की जगह वेरिएबल की फॉर्म में लिखूं, ताकि अगर कल को वो चीज चेंज करनी पड़े तो मैं सिर्फ एक जगह चेंज कर दूं, अपने आप बाकी जगह पे चेंज हो जाए। अगर 10,000 जगह पे वो नाम आना है तो मैं एक जगह डिफाइन कर दूं, ताकि वहां चेंज करने से वो 10,000 जगह अपने आप अपडेट हो जाए। ये बात आपको समझ आ गई होगी। बाकी ये सारी बातें नहीं भी समझ आ रही हैं तो कोई टेंशन नहीं है, बस इंटरव्यू से पहले थोड़ा सा नजर मार जाए कितने टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं, या कौन कौन जो है उसको क्या क्या काम हम कर सकते हैं, कौन उसको यूज करता है, ये बुनियादी बातें सिर्फ पता हो। अगर बहुत ज्यादा नहीं भी समझ आ रहा है, डरना नहीं है, ये नहीं सोचना कि यार अब ऊपर से जा रहा है, अब शेफ जो है ना यहां पे आने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि डेवऑप्स टफ हो रहा है, बिल्कुल टफ नहीं होने वाला है। आप एक काम करना, मेरी बात पे यकीन करें, आप एक काम करना, आप ये लेक्चर पढ़ने के बाद, पूरा लेक्चर पढ़ने के बाद, लैब करने के बाद, इस लेक्चर को ठंडे दिमाग से एक हफ्ते बाद दोबारा देखना, मेरा यकीन माने आपको बात डबल समझ आएगी। फर्स्ट टाइम सिर्फ आप ब्रशअप करने के लिए देखें, एक फौरी नजर मारें, एक बार आप एक बार देख लें ढंग से कि हाँ क्या चल रहा है, आप जब दोबारा देखेंगे ना मेरा यकीन माने सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, और कुछ लोग कई सवाल कर रहे हैं कि सर डेवऑप्स सीरीज में आप ये पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे, या कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने शेफ पहले क्यों पढ़ा दिया, आपको पहले जेनकिंस पढ़ाना चाहिए था। देखिए ये इंडिपेंडेंट टूल है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट टूल है, हम किसी को भी पहले पढ़ के समझ सकते हैं, किसी को भी बाद में समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कई सारे टूल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, कुबरनेट भी आपको पढ़ाऊंगा, डॉकर भी पढ़ाऊंगा, जेनकिंस भी पढ़ाऊंगा, आप टेंशन ना लें। ठीक है, और अच्छे से हम पढ़ेंगे इसको, पूरा ध्यान से पढ़ेंगे। और एक चीज और मैं बता दूं कि जो लोग मेरे लेक्चर्स रेगुलर देख रहे हैं, अगर कहीं कोई एरर आता है या कहीं आपको कुछ लगता है कि ये कंफ्यूजन मुझे है, तो वो हो सकता है वो कंफ्यूजन आपको नहीं कई सारे लोगों को हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमारे उस वीडियो की AWS में भी, CCNA में भी, यहां पर भी आप हमारी वीडियो के कमेंट चेक करें, वहां पर कई लोगों की प्रॉब्लम्स होती है और उनका सॉल्यूशन मैं भी कई बार रिप्लाई में देता हूं, या और सब्सक्राइबर भी रिप्लाई में देते हैं, तो हो सकता है आपकी प्रॉब्लम वही हो। तो आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन को चेक किया करें, अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है हो सकता है दूसरे को भी आई हो, और वहां पर कई लोग अच्छी इंपॉर्टेंट बातें भी अपडेट करते हैं कि इसमें ये चीज होती है, इसमें ये चीज होती है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो आप मेरे वीडियो के कमेंट पढ़ना भी शुरू करें, ठीक है, उसमें वो चीजें पढ़ें जो काम की है। मैं ये नहीं कह रहा वहां पे मेरे कमेंट पढ़े, मेरी बुराइयां पढ़े, ठीक है, ऐसे काम नहीं करने आपने, ठीक है। तो चलिए अच्छी बात है, वो एक शायर ने एक शेर कहा था ना, क्योंकि आजकल क्या है कि मेरे कई वीडियो पे डिसलाइक भी आ जाते हैं कई बार, मतलब वीडियो अपलोड होते हैं डिसलाइक आ जाता है, भाई देखने के बाद कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब उसमें वो एक शायर का एक शेर था ना कि दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दोस्तों को आजमाते जाइए। तो अब यही बात है, हम जो है अपने दोस्तों को भी आजमाना चाहिए कभी कभी। तो चले अब मैं आपको कोड बता देता हूं कि कोड क्या क्या है जो हम लैब में करने वाले हैं, और फिर मैं आपको लैब में लेके चलूंगा। ठीक है, अब हम लैब में क्या करने वाले हैं, वो सारी मैंने कमांड्स यहां पर लिख दी हैं, कोड मैंने यहां पर लिख दिया है, जो हमें लिखना है वो आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप वहां से भी कॉपी करके रन करा सकते हैं। तो देखें सबसे पहले वही काम करना है, हमें हमारी AWS अकाउंट में जाना है और वहां पे लिनक्स मशीन को हमें लॉगिन करना है। नई लिनक्स मशीन क्रिएट मत करना, लास्ट टाइम लैब में मैंने आपकी पिछली मशीन जो है वो स्टॉप करा दी थी, आप उसी को स्टार्ट करें, उससे आगे ये काम हमें करना है, आपने नई मशीन नहीं बनानी। लेकिन अगर आपसे वो गलती से डिलीट हो गई है या किसी भी वजह से वो नहीं चल रही है, तो आप डायरेक्ट जो है ये कमांड चलाने से पहले बेटर होगा कि पिछली लैब को कर लें उसके बाद ये करें। ठीक है, क्योंकि यहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो पुरानी मशीन से हैं, जैसे हमने पहले से कुकबुक बना रखी थी, अपाचे कुकबुक जो है ये हमने पिछली लैब में बनाई थी, तो इसीलिए अगर ये आपको लैब करनी है तो इससे पिछले लेक्चर की लैब पहले आप कंप्लीट करें, अगर आपकी मशीन बनी हुई नहीं है, अगर वो आपने स्टॉप कर रखी है तो आप उससे आगे यहां से करें, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आप मशीन को लॉगिन करें, लॉगिन करने के बाद पुट्टी के थ्रू एक्सेस करें, जो मैं आपको लैब में सब करके दिखाऊंगा, और एक कमांड जो आप हर बार लिखते हैं sudo su वो आप चला लें। उसके बाद आप कमांड चलाएं ohio। ओहाई चलाने से क्या होगा कि मेरे जो नोड है, जो मेरी नोड है, इस नोड के अंदर जो ओहाई है, इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, जो कुछ भी पड़ा हुआ है मशीन से रिलेटेड, जितनी इंफॉर्मेशन है, छोटी से छोटी, कितनी फाइल है, कितने फोल्डर है, आईपी एड्रेस क्या है, कितनी रैम कहां इस्तेमाल हो रही है, कितनी स्टोरेज कहां इस्तेमाल हो रही है, क्या क्या चल रहा है, सब कुछ ओहाई को यहां पर चलाने से वो नजर आ जाएगा। लेकिन
अब ओहाई में से अगर कोई स्पेसिफिक चीज आपको चाहिए, कोई डिफॉल्ट, क्योंकि ओहाई के अंदर सारी ऑटोमेटिक वाली जो हमारी मैंने आपको बताया था हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो सारी चीजें होती हैं, तो ओहाई में से ही अगर मुझे कोई डिटेल चाहिए फॉर एग्जांपल कि भैया आईपी एड्रेस मुझे बता दो, तो ये मैंने कॉन्फिगर तो नहीं किया, फिर भी ओहाई को कैसे पता है, क्योंकि मशीन का एक आईपी एड्रेस होता है जो ओहाई को पता होता है, और उसके लिए उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी हमने रखी है ऑटोमेटिक वाली जो हमारी एट्रीब्यूट है टाइप है वो यही है, वो सारा काम उसका यही है, आईपी एड्रेस को अपने आप अपडेट करता है, वो हमें करने की जरूरत नहीं है या हमें उसके लिए कमांड लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो यहां पे जैसे ही आप ओहाई स्पेस आईपी एड्रेस टाइप करेंगे वो आपको उस मशीन का आईपी एड्रेस अपने आप बता देगा, ऐसे ही आप जैसे ही मेमोरी लिखेंगे वो मेमोरी बता देगा, मेमोरी स्लैश टोटल लिखेंगे तो टोटल मेमोरी कितनी है या कंज्यूम हो रही है वो आपको बता देगा, सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना चल रहा है वो पता करना है तो आप ओहाई स्पेस सीपीयू और ये 0/MHz जो है ये हमने स्पेसिफिक वहां पे जाने के लिए लिखा है, अगर हम खाली सीपीयू लिखेंगे तो बहुत सारी डिटेल आ जाएंगी, बट अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि मेगाहर्ट्ज में मेरे सीपीयू की कितनी यूटिलाइजेशन है तो वो आप चेक कर सकते हैं इस कमांड की हेल्प से, ठीक है। एलएस, अब अगर आप एलएस करके देखें तो आपको क्या नजर आएगा, अभी मैं जहां पर भी हूं, मैं जिस भी अभी तो मैं EC2 यूजर में हूं यहां पे, अब जब मैं एलएस करूंगा तो मुझे कुछ कुकबुक्स पहले से नजर आएंगे, अगर मेरी आप लैब कर रहे हैं, आप स्टॉप वाली मशीन को ही आपने स्टार्ट किया है तो पिछली लैब में हमने कुकबुक बनाई थी, वो कुकबुक हमें यहां पे नजर आएंगी, ठीक है। तो हमने एक कुकबुक बनाई थी कुकबुक्स के नाम से, आपको पता होगा हमने एक डायरेक्टरी बनाई थी कुकबुक्स के नाम से, तो अब हम उस कुकबुक्स में जो हमें एलएस करने पे नजर आएगी हम उसके अंदर जाएंगे, उसके अंदर जाने का तरीका क्या है, सीडी स्पेस कुकबुक्स, ठीक है। तो आप जैसे ये लिखेंगे आप कहां पे आ गए, आप कुकबुक के अंदर आ गए। अब कुकबुक के अंदर जाके हमें क्या करना है, हम फिर से एलएस करके देखते हैं तो हमें हमारी एक कुकबुक नजर आएगी अपाचे कुकबुक, ठीक है, जो हमने पिछली लैब में बनाई थी। उस कुकबुक के अंदर अब हमें जाना है तो अब दोबारा से सीडी करें और उसके अंदर चले जाएं, ठीक है, चेंज डायरेक्टरी अपाचे स्पेस कुकबुक और फॉरवर्ड स्लैश, ये आप करेंगे आप अब इस कुकबुक के अंदर आ जाएंगे, अपाचे के अंदर आ जाएंगे, ये देखिए मैं अपाचे में आ गया। अब यहां जाने के बाद आप ट्री कमांड चलाएं तो ये आपको बता देगा आपकी कितनी रेसिपीज के अंदर बनी हुई है, कौन सी डिफॉल्ट है, क्या क्या है, एट्रीब्यूट्स की भी एक आपको वहां नजर आएगी, आपको एट्रीब्यूट का भी ट्री के अंदर एक जगह नजर आएगी आपको, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको वहां नजर आएंगी। अब हमने क्या करना है, इस अपाचे कुकबुक के अंदर हमें एक रेसिपी क्रिएट करनी है जिसपे आज हम काम करेंगे, अपना कोड रन कराएंगे, तो हम उसके लिए एक रेसिपी क्रिएट करते हैं। रेसिपी क्रिएट करने की कमांड आपको पता है शेफ जनरेट रेसिपी और रेसिपी का नाम, रेसिपी का नाम हमने यहां पे लिखा है रेसिपी 3, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। आपने रेसिपी 3 यहां पे नाम दे दिया, एक रेसिपी हम बना रहे हैं। सिर्फ रेसिपी बनाने के लिए हम कुकबुक के अंदर आते हैं अपाचे कुकबुक के अंदर, उसके बाद सारा काम हम बाहर कुकबुक्स में आके करते हैं, ये आपको मैंने कई बार बताया है। तो अब मैं क्या करूंगा, बाहर आऊंगा सीडी स्पेस डबल डॉट, जैसे ही एंटर करेंगे आप बाहर आ जाएंगे, अपाचे कुकबुक से कहां पे आ जाएंगे, दोबारा कुकबुक्स में आ जाएंगे। तो मैं दोबारा से कुकबुक्स में आ गया फॉर एग्जांपल। अब यहां पे आके मैं वीआई एडिटर के थ्रू इस अपनी रेसिपी 3 को ओपन करूंगा, तो क्या कमांड है, वीआई स्पेस कुकबुक का नाम स्लैश रेसिपीज, ठीक है, और उस रेसिपी का नाम .rb, ये इंपॉर्टेंट है, अगर .rb नहीं लगाओगे तो वीआई एडिटर ओपन नहीं होगा इसका। तो .rb रूबी एक्सटेंशन होता है, रूबी के लिए, रूबी लैंग्वेज में ही काम होता है ना यहाँ पे। तो अब ये है वो रूबी लैंग्वेज का कोड, जैसे ही आप ये कमांड चढ़ाओगे वीआई एडिटर ओपन हो जाएगा, आपको ये कोड लिखना है, ठीक है, ये आपको यहां तक है, ये एंड तक है यहां तक, तो ये कोड आपको लिखना है, ठीक है। ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, तो प्रॉब्लम नहीं है कि सर ने लिखा है कहां पे क्या है, और आप खुद से भी चला कर देखें, कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल एक फाइल, फाइल हमारा रिसोर्स टाइप है, हमने फाइल को डिफाइन किया, फाइल का नाम क्या है, बेसिक इन्फो, मैं एक फाइल बना रहा हूं बेसिक इन्फो के नाम से, और डू मतलब बना दो, ठीक है। अब ये मेरा कंटेंट है, देखो कंटेंट क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा में, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो कुछ लिखा है वो मेरा कंटेंट है, यानी वो चीजें हैं जो मैं चाहता हूं, लेकिन यहां पर मैंने कंटेंट को फिक्स ना करके उन्हें वेरिएबल की फॉर्म में डिफाइन किया है। फिक्स तो ये होता है जो मैं अब तक पिछली लैब में करता आया हूं, मैं यहां पर जो कुछ लिखूंगा वही नजर आएगा, पर इस बार मैं ऐसा नहीं कर रहा, इस बार मैं कह रहा हूं कि ये एक मैसेज लिखा है दिस इज टू गेट एट्रीब्यूट्स, ये मैसेज आपको नजर आएगा, उसके बाद मैं अब वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूं हैश की हेल्प से, ये हैश लगा के मैं वेरिएबल बना रहा हूं यहां पे नोड में, ठीक है, नोड में। एट्रीब्यूट कहां कहां डिफाइन किया जा सकता है, नोड में, रेसिपी में, सब जगह डिफाइन किया जा सकता है। तो मैं कह रहा हूं आप नोड में इसे डिफाइन कर दो, ठीक है, जो मशीन है मेरी नोड है वहां पर मैं इसे डिफाइन कर रहा हूं। कैसे डिफाइन कर रहा हूं, मैंने कहा होस्ट नेम, तो होस्ट नेम तो फिक्स है, ये तो की है, ये सारी क्या है, ये सब की है,
और ये सब क्या है, इनकी वैल्यू है। और ये वैल्यू कहां से उठाएगा, ये वैल्यू ये उठाएगा जो रियल टाइम वैल्यू होगी, जो एक्चुअल वैल्यू होगी उस टाइम पे, ठीक है, जो भी आप वहां डिफाइन कर देंगे वो वैल्यू, फिर सारी जगह वही नजर आएगी आपको। अब यहां पे मैंने अभी इसको वेरिएबल, अब मैंने यहां पे क्या डिफाइन किया, नोड किया है, इसका मतलब नोड का जो भी नाम होगा वो नजर आ जाएगा। मैंने हर जगह यहां पे नोड लिखा है, यानी नोड का आईपी एड्रेस मुझे नजर आ जाएगा इसके आगे, आईपी एड्रेस के आगे मुझे क्या नजर आ जाएगा, नोड का आईपी एड्रेस नजर आ जाएगा, क्योंकि मैंने सबके बाहर नोड लिखा हुआ है। नोड का सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या है वो मुझे नजर आ जाएगा, कहां पे, सीपीयू के अंदर नजर आ जाएगा। तो यहां मैंने नोड को डिफाइन कर दिया है कि भैया नोड की ये जो चीज होगी ये आप आउटपुट में दे देना। इस तरीके इसको डिफाइन करने का तरीका क्या है, सिंपल है, आप थोड़ा सा याद आपको करना पड़ेगा, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि इसका कोई मैं कोई जादू का घोल पिला दूं, बट चीजें समझा सकता हूं। आपने होस्ट नेम लिखना है, कॉलन लगाना है, स्पेस नहीं लगाना, दोनों के बीच में स्पेस नहीं है, होस्ट कॉलन, फिर आप स्पेस ले, स्पेस के बाद आप हैश लगाएं, ब्रैकेट करें, अब कहीं कोई स्पेस नहीं देना है आपको, हैश ब्रैकेट ये वाला कर्ली वाला ब्रैकेट लगाएं, नोड लिखें, फिर ये वाला ब्रैकेट लगाएं, ठीक है, उसके बाद इनवर्टेड कॉमा में लिखें होस्ट नेम, ठीक है। ऐसे यहां पर नोड में आईपी एड्रेस, यहां पे नोड में सीपीयू 0 मेगाहर्ट्ज, ऐसे नोड में मेमोरी टोटल, इस तरीके से आप ये पूरा कोड इन्वर्टेड कॉमा में कर दें। उसके बाद ऑनर किसे बनाना है, रूट को बनाना है, ग्रुप किस में रखना है, रूट के अंदर रखना है, एक्शन में आप क्रिएट कर दें, ठीक है। यहां पे एक्शन के बाद स्पेस है, लेकिन यहां कॉलन और क्रिएट के बीच में स्पेस नहीं है, तो ये छोटी छोटी बात है। जैसे यहां मैंने इसीलिए ये पास पास लिखा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं है, आईपी एड्रेस कॉलन के बीच में नहीं है, सीपीयू कॉलन के बीच में, यहां देखे बीच में जगह नजर आ रही है आपको, यानी यहां स्पेस है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, सो दैट आप कोड खुद से भी लिख पाए, कॉपी में लिखते टाइम भी आप इस चीज को मेंशन कर लें, ताकि जब आप खुद से भी अगर इस कोड को लिखें बिना मेरे डिस्क्रिप्शन से कॉपी किए तो आप सक्सेसफुली रन कर पाए, ठीक है। और आपको यह भी पता है कि कोड को बाद में चेक करने का क्या तरीका है, ठीक है ना, शेफ रूबी एग्जीक्यूट करके जो कमांड मैंने आपको पिछली बार लिखवाई थी, कॉपी में चेक करिए, इस कोड को लिखने के बाद आप वो कमांड एक बार रन कर लेना, मैंने यहां लिखी नहीं है बट आप वो रन करके देख लेना मेरा कोड सही है या नहीं है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है। पहले आप वो कमांड लिखें, उसके बाद आप क्या करेंगे, शेफ रूबी एग्जीक्यूट हाइफन सी, और उसके बाद आपने ये वाला पाथ लिखना है, कहां गया ये वाला, अपाचे कुकबुक /recipes/recipe 3.rb, तो वो आपको पता है, मैंने पिछले लैब में बताया था। तो उस तरीके से आप अपना कोड चेक कर सकते हैं मेरा कोड सही है नहीं है। हो जाता है तो अब मैं शेफ क्लाइंट को कॉल करूंगा, शेफ क्लाइंट को कॉल करने का मतलब अब मैं रन कराऊंगा, ये -zr का मतलब ही होता है शेफ क्लाइंट को रन कराना। शेफ क्लाइंट को रन कराने पर क्या होता है, पहले वो शेफ क्लाइंट जो है वो ओहाई में चेक करता है कि मेरी करंट स्टेटस क्या है, उसके बाद वो सर्वर के पास जाता है, ठीक है। पहले वो इससे पूछ लेता है कि भाई पहले अपनी डिटेल बता दो, फिर मैं सर्वर पर जाके मैच कर पाऊंगा, मेरे पास डेटा तो होना चाहिए ना, कंपेयर किसके साथ करूंगा, कंपेयर तो तभी कर पाऊंगा जब डेटा होगा। तो पहले जब हम इसको रन कराते हैं तो वो अपने ओहाई स्टोर में जाता है, चेक करता है और फिर सर्वर पर जाता है। अब उसने एग्जीक्यूट कराया ये कमांड चलाने से रेसिपी 3, अब ये मेरा पूरा कोड एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट होने पर क्या क्या होगा, एक फाइल क्रिएट हो जाएगी बेसिक इन्फो के नाम से, उसके अंदर ये डिटेल आपको नजर आएगी, और डिटेल क्योंकि हमने वेरिएबल की फॉर्म में रखी हुई है, ये वेरिएबल है सारे, यानी जो एक्चुअल उसकी वहां पे सिचुएशन होगी, नोड का जो नेम होगा वो मुझे नजर आएगा, नोड का जो एक्चुअल आईपी एड्रेस होगा वो मुझे नजर आएगा। यहां मुझे अब आईपी एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, मैंने उसे एज अ वेरिएबल लिया है, किसका, नोड का, ठीक है। तो अब जब मैं एलएस स्पेस फॉरवर्ड स्लैश करूंगा, यानी कि रूट डायरेक्टरी में जाऊंगा, तो मुझे बेसिक इन्फो नाम की एक फाइल नजर आएगी। तो एलएस के बाद एलएस स्पेस फॉरवर्ड स्लैश आप करेंगे, आउटपुट में आपको ये फाइल नजर आएगी। ऐसे ही अब मैं चेक करूंगा, ये चीजें चेक करना चाहता हूं, तो मैं कैट करके इस फाइल को चेक करूंगा, तो आप देखेंगे मुझे होस्ट नेम में नजर आएगा आईपी और एक आईपी एड्रेस नजर आएगा यहां पे, क्योंकि मेरा होस्ट नेम जो है अमेज़न लिनक्स मशीन का यही होता है। ऐसे ही जो मेरा जो आईपी है वो वही नजर आएगा जो मेरा अमेज़न लिनक्स मशीन का मुझे यहां पे नजर आ रहा होगा, यहां पे इन जगहों पे मुझे जो मेरा आईपी नजर आ रहा होगा वो आईपी आपको यहां नजर आएगा। ऐसे ही सीपीयू यूटिलाइजेशन आपका मशीन का उस टाइम जितना भी होगा वो नजर आएगा, यानी जो रियल टाइम मशीन के स्टैटिक्स होंगे वो आपको नजर आएंगे। अब ऐसे ही अगर आपके पास 1000 मशीनें हैं तो उनके स्टैटिक्स उनके अकॉर्डिंग नजर आएंगे, हर मशीन की अपनी स्टैटिक्स नजर आएगी, उसका आईपी एड्रेस जो भी होगा वो आपको नजर आएगा इस कमांड को चलाने से। ये बात आपको समझ आ रही है? तो एक ही कोड के थ्रू हमने क्या किया, ऐसा कोड बना दिया कि सारी मशीनें अपनी अपनी डिटेल दिखाएं,
ठीक है, हमें उनकी डिटेल डिफाइन नहीं करनी है कि भैया इस सर्वर की ये आईपी एड्रेस है, इस सर्वर की ये आईपी एड्रेस है, वो काम नहीं करना है। हमें इस तरीके से डिफाइन करना है कि वो अपने आप खुद का आईपी एड्रेस हमें आउटपुट में दे दे। तो ये एक तरीका है, ये एक बेसिक चीजें हैं। इतना आप करें, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि जो बिगनर्स हैं या जो सीख रहे हैं उनके लिए बुनियादी बातें जरूरी है। इंटरव्यू में अगर आपने इतना कोड लिखकर दिखा दिया, एग्जीक्यूट करके दिखा दिया, तो यकीन माने इंटरव्यू आपका क्रैक हो जाएगा। ठीक है, वो कोई रियल टाइम सिनेरियो देते हैं तो आप थोड़ा फंस सकते हैं, बट वो भी धीरे 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 जब आप मेरे लेक्चर्स को 2-3 दफा पढ़ेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप वो भी कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं सीधा लैब के ऊपर और वहां पे करके देखते हैं कि ये सारा काम कैसे होगा। तो लो जी, आ गए हम अपने लैब के ऊपर। अब यहाँ पे अभी फिलहाल मैं मुंबई रीजन में हूँ और मेरे पास एक मशीन है जो स्टॉप होगी, तो मैं उसे स्टार्ट कर लेता हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब लैब की थी तो मैंने उसके बाद उसे स्टॉप करा दिया था। तो आप यहाँ रनिंग इंस्टांस में जाएंगे तो आपको अपनी मशीन नजर आ जाएगी। अगर किसी वजह से डिलीट हो गई है या आपसे स्टार्ट ना हो तो आप दोबारा बनाइएगा मशीन को, EC2 इंस्टांस को, और उसके बाद पिछली लैब करने के बाद आज की लैब करिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये स्टॉप पड़ी हुई है, मैं इसे स्टार्ट कर लेता हूँ एक्शन में जाके, और स्टार्ट पे क्लिक करिए, स्टार्ट हो जाएगी ये। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको स्टार्ट होने में, एक बार ये स्टार्ट हो जाए फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो मेरी मशीन ये रेडी हो गई है, तो अब हम इसका पब्लिक आईपी पहले कॉपी कर लेते हैं, और इसे कॉपी करने के बाद अब आप पुटी जहां पर आपका सॉफ्टवेयर पड़ा है आप उसे ओपन करिए। तो ये पुटी सॉफ्टवेयर है, आपको पता है सब कुछ, फिर भी मैं बार बार आपको बताता रहता हूं ताकि याद हो जाए। यहां पे आप पब्लिक आईपी कॉपी कर दें, अब आप SSH पे क्लिक करें, यहां ऑथ पे क्लिक करें, और यहां ब्राउज करके जो आपकी मशीन जब आपने बनाई थी तो एक की मैंने बनाई थी .pp के एंड में लिखा होगा, जिस भी नाम से आपने बनाई थी आप याद करिए, आपके सिस्टम में वो पड़ी होगी, आप उसको सिलेक्ट करिए। जो आपने लास्ट टाइम जब ये मशीन बनाई थी तब ये की हम जनरेट करते हैं, अगर आपको याद हो तो उसी की से आपको इस मशीन को ओपन करना है। ओपन करिए, यहाँ पे ओपन करिए, एक नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, इसे आप यस कर दें, ओपन करें। इसके फॉन्ट साइज को मैं बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे चेंज सेटिंग में जाके पब्लिक आईपी, सॉरी यहाँ पे आप अपीयरेंस में जाएं, चेंज में जाएं, यहाँ आप 18 कर दें इसके साइज को, ओके करके अप्लाई करें तो ये बड़ा हो जाएगा साइज। और यहाँ पे आप EC2-user करके लॉगिन करें। अब आपने कमांड देनी है sudo su ताकि मैं रूट यूजर बन जाऊं। तो ये देखें मैं रूट यूजर बन गया हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं, पहले ls कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। तो ये देखें, एक हमने ये फाइल डाउनलोड की थी लास्ट टाइम शेफ वर्क स्टेशन की, कुकबुक हमने बनाई थी डायरेक्टरी, और नोट्स नाम से एक डायरेक्टरी हमने बनाई थी। तो ये सारी चीजें हमें नजर आ रही हैं। अब आप यहाँ पे इवन आप ll करेंगे तो आपको डिटेल में नजर आ जाएगा। ये देखें, ये फाइल टाइप है शेफ, और ये दोनों डायरेक्टरी हैं कुकबुक्स और नोड, क्योंकि यहाँ पे डी लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। ठीक है, तो ये आपको नजर आ गया। अब हम एक काम करते हैं, ओहाई की जरा बात करते थे कि ओहाई पे अगर हम टाइप करके सर्च करते हैं तो हमें क्या नजर आता है। तो ये देखें, ये सारी करंट कॉन्फ़िगरेशन मुझे ओहाई के अंदर नजर आ रही है, और ये डिटेल किस तरीके की है, ये उसी तरीके से है। देखें, ये जो वर्जन है ये की है और इसकी वैल्यू क्या है 25, यानी ये चेंज हो सकती है। जैसे रिलीज है, ये रिलीज की वैल्यू अभी ये दिखा रहा है, लेकिन फ्यूचर में जो अपडेट अगर होंगे तो ओहाई इसको अपडेट करता रहेगा। ये करंट कॉन्फ़िगरेशन अभी ओहाई की है जो आपको नजर आ रही है, लेकिन अगर कोई आपको स्पेसिफिक चीज देखनी है तो आप कैसे देखेंगे, आप लिखेंगे ओहाई स्पेस आईपी एड्रेस, तो इससे मुझे आईपी एड्रेस पता चल जाएगा जो मेरे इस वर्क स्टेशन का होगा। एंटर करिए, तो ये देखें मुझे आईपी एड्रेस नजर आ गया आउटपुट में। ऐसे ही अगर आप टाइप करते हो ओहाई होस्ट नेम तो आपको होस्ट नेम नजर आ जाएगा कि होस्ट नेम क्या है आपके वर्क स्टेशन का। तो ओहाई के अंदर जितनी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। तो ये देखें, होस्ट नेम भी मेरा यही है, आईपी और इसके बाद आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, तो इसी नाम से होस्ट नेम है। ऐसे ही अगर आप मेमोरी चेक करेंगे कि ओहाई में मेमोरी कितनी है, मेरी वर्क स्टेशन की मेमोरी कितनी है, तो आपको देखें यहाँ नजर आ रही है, ये सब मेमोरी नजर आ रही है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ मुझे ये टोटल दिखाओ कि मेमोरी का टोटल मेमोरी कितनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ओहाई मेमोरी और स्लैश करके जो चीज आप देखना चाहते हैं आप उसको स्लैश करके लिखें, टोटल आप लिखें, तो ये देखें आपको टोटल मेमोरी नजर आ जाएगी, वही वाली 1006944। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ऐसे ही अगर आपने ओहाई सीपीयू क्लिक किया, एंटर करें आप, तो सीपीयू की डिटेल आपके पास आ जाएगी, ये देखें। लेकिन मैं कहता हूं मुझे सीपीयू में चेक करना है,
मेगाहर्ट्ज़, ये वाली वैल्यू मुझे चाहिए 2399 वाली। तो ये कैसे होगी, सीपीयू उसके बाद देखिए जीरो के अंदर है, जीरो के अंदर मेगाहर्ट्ज़ में मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं कैसे लिखूंगा, ओहाई सीपीयू स्लैश जीरो स्लैश मेगाहर्ट्ज़, इस तरीके से मुझे लिखना पड़ेगा और आप एंटर करें। तो ये देखें 2399 ये यहाँ पे नजर आ गया। तो इस तरीके से आप ओहाई की कोई भी डिटेल अगर आप चाहते हैं तो आप ओहाई के अंदर से वो डिटेल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, मैं एलएस करता हूं, मेरे पास कुकबुक्स बना हुआ है तो मैं इस कुकबुक के अंदर जाता हूं। जाने का तरीका है सीडी स्पेस कुकबुक्स और फॉरवर्ड स्लैश, एंटर करते हैं। अब मैं अपने कुकबुक के अंदर आ चुका हूं, आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर आके अब मुझे कहाँ जाना है, इसके अंदर आके पहले मैं दोबारा एलएस करता हूँ, देखता हूँ इसके अंदर कौन कौन सी मैंने कुकबुक बनाई है। मैंने अपाचे बनाई हुई है और एक टेस्ट कुकबुक बनाई हुई है, तो अब मैं अपाचे के अंदर चलता हूँ। तो अपाचे के अंदर जाने का तरीका क्या है, सीडी स्पेस और अपाचे स्लैश कुकबुक, सॉरी डैश कुकबुक और फॉरवर्ड स्लैश। तो मैं अपाचे कुकबुक के अंदर आ गया हूं। अब इसके अंदर आने के बाद मुझे क्या करना है, पहले मैं देख लेता हूं इसके अंदर क्या क्या बना हुआ है। मैं ट्री करता हूं, एंटर करिए। तो ये देखिए मुझे इसके अंदर कुछ रेसिपी नजर आ रही है, रेसिपी थ्री मुझे पहले से नजर आ रही है क्योंकि मैं एक बार लैब कर चुका हूं, तो आपके केस में आपको रेसिपी थ्री नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपने जो बनाया होगा वो आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं एक लैब पहले कर चुका हूं तो उसमें रेसिपी थ्री मैंने बनाई थी, तो मुझे इसलिए यहाँ रेसिपी थ्री नजर आ रही है। तो आपकी मशीन में आपको भी कुछ डिटेल्स नजर आ रही होंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको शेफ इग्नोर नजर आ रहा है, लाइसेंस नजर आ रहा है, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही है। अब मैं एक नई रेसिपी क्रिएट करता हूं, तो मैं शेफ जेनरेट उसके बाद रेसिपी, और रेसिपी का नाम देता हूं मैं रेसिपी, मैं हाइफन न्यू दे देता हूं, रेसिपी हाइफन न्यू, एंटर करते हैं। तो मेरी रेसिपी क्रिएट हो गई है, मैं अगर देखना चाहूं तो देख भी सकता हूं ट्री कमांड चला के। ये देखें मुझे रेसिपी के न्यू के नाम से अब मेरी रेसिपी नजर आ रही है। अब मुझे इस रेसिपी से बाहर, अब मैं रेसिपी में काम करना है तो आपको अपाचे कुकबुक से बाहर आना पड़ेगा। इसके लिए सीडी, मैं पहले कंट्रोल एल कर लेता हूं, तो सीडी स्पेस डबल डॉट आप लगा दें तो आप अपाचे कुकबुक से बाहर आ जाएंगे। और अब आप कहाँ पे आ गए, कुकबुक में आप आ गए। ठीक है, यहां आने के बाद अब मुझे क्योंकि ये एडिटर में काम करना है इस कुकबुक रेसिपी के अंदर, तो मैं वी आई स्पेस अपाचे हाइफन कुकबुक स्लैश रेसिपीज, और उसके अंदर मैंने जो रेसिपी बनाई है रेसिपी हाइफन न्यू डॉट आर बी लगाना ना भूलें। ठीक है, तो ये मैंने रेसिपी का नाम, जो मैंने अभी रेसिपी बनाई है मैंने वो नाम लिख दिया है डॉट आर बी लगा के, एंटर करता हूं। तो ये देखें वी आई एडिटर ओपन हो गया है। अब आपने आई प्रेस करना है कीबोर्ड का, तो देखें यहाँ पे इंसर्ट आ गया, इसका मतलब अब आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। अब आप कीबोर्ड के एरो की से नीचे आ जाए और इसे आगे लेके आए एरो की से, और यहां लाके एंटर प्रेस करें ताकि हम नीचे आ जाएं। और यहां आने के बाद अब कोड मैंने पहले से लिखा हुआ है, तो इस कोड को मैं यहां से पेस्ट कर लेता हूं, मेरे पास ये एट्रीब्यूट कोड है, मैं इसे यहां से कॉपी कर लेता हूं और मैं वहां पे पेस्ट कर देता हूं। और ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप लोग वहां से कॉपी कर सकें, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये नजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने कोड यहां पे लिखा है, आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। याद रखिएगा जो चीज स्मॉल लेटर में है वो स्मॉल में होनी चाहिए अगर आप खुद से लिख रहे हैं, और जो चीज कैपिटल लेटर में है वो कैपिटल में ही आप लिखें। होस्ट नेम के बाद कॉलन लगा है, इसमें स्पेस नहीं है इन दोनों के बीच में, यहाँ कॉलन और हैश के बीच में स्पेस है। ये सारी बातें मैं आपको थ्योरी में बता चुका हूं, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखते हुए कोड लिखना है। लिखने के बाद आप कीबोर्ड का एस्केप बटन दबाएं और कॉलन डब्ल्यू क्यू प्रेस कर दें, तो देखें ये नीचे कॉलन डब्ल्यू क्यू लिखा आ गया है। अब आप एंटर करें तो मेरा ये सेव हो गया है एडिटर के अंदर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस कोड को लिखने के बाद मुझे अब शेफ क्लाइंट रन कराना है, जिसकी कमांड क्या होती है, शेफ हाइफन क्लाइंट हाइफन जेड आर, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए रेसिपी, ब्रैकेट स्टार्ट करिए और उसके अंदर लिखिए अपाचे कुकबुक, यानी कुकबुक का नाम और उसके बाद रेसिपी का नाम। तो अपाचे कुकबुक है और रेसिपी का नाम, डबल कॉलन लगा के दो बार आप रेसिपी का नाम लिख दें, रेसिपी हाइफन न्यू, और यहां पे डॉट आर बी आपको नहीं लिखना है, और आप इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दें। तो ये मेरी पूरी कमांड है शेफ क्लाइंट को कॉल करने की, रन कराने की। तो अब मैं एंटर करता हूं, तो ये देखें जो ग्रीन कलर से आया है वो चीजें इसने क्रिएट करी हैं।
एक नई फाइल क्रिएट करी है जिसका नाम है बेसिक इन्फो, जो कहां पे क्रिएट हुई है, रूट डायरेक्टरी में। देखिए आगे पहले फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है, ठीक है। और उसके अंदर उसने कुछ चीजें अपडेट करी हैं जो कि यहाँ प्लस साइन से आपको दिख रही हैं। अब देखिए मैंने होस्ट नेम लिखा था, उसके आगे मैंने नोड लिखकर आईपी एड्रेस लिखा था, जबकि यहाँ वो आईपी एड्रेस किस चीज में कन्वर्ट हो गया, एक्चुअल, ये देखिए यहाँ पे आई, सॉरी ये तो होस्ट नेम है, ये एक्चुअल होस्ट नेम आ गया मेरी मशीन का, जो ओहाई में मैंने आपको अभी दिखाया था ओहाई कमांड चला के। ऐसे ही ये मेरी मशीन का एक्चुअल आईपी एड्रेस मुझे यहाँ नजर आ गया, सीपीयू यूटिलाइजेशन मुझे नजर आ गई, मेमोरी मुझे नजर आ गई, सारी डिटेल वो नजर आ रही है जो मशीन की एक्चुअल है, मैंने वहां डाली नहीं थी, अपने आप इसने ले ली। तो ये तरीका है एट्रीब्यूट की हेल्प से काम करने का। यहाँ पे ओनर कौन है, रूट है, ग्रुप कौन है, रूट है। तो देखिए ये मेरी फाइल क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं अब आपको इसे टेस्ट कराऊं कि ये फाइल बनी है या नहीं बनी है, तो आप ls और स्पेस देके फॉरवर्ड स्लैश लगा दें रूट के लिए, एंटर करें, तो आप देखें आपकी एक फाइल बन चुकी है जो कि नाम होगा उसका बेसिक इन्फो। देखें ये रही, बेसिक इन्फो नाम से आपकी एक फाइल बन चुकी है जो आपको नजर भी आ रही होगी, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फो फाइल आपकी बन चुकी है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब अगर आप कंटेंट देखना चाहते हैं इसका, तो उसके लिए कैट स्पेस फॉरवर्ड स्लैश और बेसिक इन्फो यानी फाइल का नाम आप लिख दें, और ये रूट के लिए मैंने लगाया क्योंकि रूट के अंदर है ये फाइल बनी हुई, इसलिए आपको पहले फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ेगा, एंटर करें। तो ये देखें आपके पास डिटेल आ रही है, दिस इज टू गेट एट्रीब्यूट्स, होस्ट नेम ये है, आईपी एड्रेस ये है, सीपीयू ये है और मेमोरी ये है आपकी। तो ये सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं, एंटर करें। अब मैं इसे कंट्रोल एल करता हूं। अब अगर मैं इसी शेफ क्लाइंट को दोबारा कॉल करूं यानी दोबारा रन कराऊं, तो क्या होगा, क्या ये दोबारा से फाइल क्रिएट करेगा या अपडेट करेगा, देख लेते हैं, एंटर करते हैं। ये देखें इस बार कुछ भी ग्रीन कलर से नजर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, ये कह रहा है भैया सब कुछ पहले से अपडेट है, आपकी फाइल बिल्कुल वही है जो आपने अभी रन कराई है, आपने थोड़ा सा भी चेंज नहीं कराया, अगर किया होता तो हम उसे अपडेट कर देते। तो यहाँ पे कुछ भी ग्रीन कलर से मुझे नजर नहीं आ रहा है, यानी शेफ जो होता है वो इस तरीके से काम करता है कि वो अगर आप उसे बार बार कॉल भी कराओगे तब भी वो उस काम को दोबारा से नहीं एग्जीक्यूट करेगा जब तक उसमें कोई चेंजेस नहीं उसको मिलते हैं, क्योंकि वो कंपेयर करता है पुरानी फाइल को नई के साथ। अगर दोनों सेम टू सेम है तो वो क्या लिखेगा कि भैया अप टू डेट है ऑलरेडी, कोई चेंजेस मिले ही नहीं मुझे, ठीक है ना। तो इसलिए उसने काम कितना किया है, 0/1, यानी कोई काम नहीं किया, आपने एक काम करने को कहा था लेकिन उसने 0 किया है, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑलरेडी आपकी फाइल अपडेटेड है। सो दिस इज द वे कि हम लोग कैसे एट्रीब्यूट को इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे छोटे कोड मैंने सिखाए हैं, नेट पे आपको बहुत सारे कोड मिल जाएंगे, गिटहब में बहुत सारे कोड मिल जाएंगे, जो कोर्स को एंड होने पे मैं आपको बताऊंगा। तो अभी फिलहाल लेकिन आप इतना ही करें, इससे ज्यादा ना करें, ठीक है। कोड ये है आपका, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एक बात और, इस मशीन को आप अब स्टॉप कर दें, तो आपने इसको अभी बंद नहीं करना है, ये काम करने के बाद इसे आप यहां जाके स्टॉप कर दें, एक्शन इंस्टांस में जाएं और यहां पे आप इसे स्टॉप कर दें, ताकि हम नेक्स्ट लैब में इसी मशीन को दोबारा स्टार्ट कर सके। तो मैं इसे स्टॉप कर रहा हूं और अब चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। आई होप यार लैब आपको समझ आ गई होगी और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं आपने बहुत अच्छे से सीख लिया होगा, सब कुछ समझ आ गया होगा, कोई टेंशन आपको नहीं हो रही होगी। और देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं कि डेवऑप्स में हो सकता है जो लोग नॉन टेक्निकल हैं या जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती है उन्हें लग रहा हो कि ये सारी चीजें हम कैसे याद रखेंगे, तो इसका एक ही तरीका है यार, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। कुछ नहीं कर सकते, डेली लैब नहीं कर सकते, तो कॉपी आपके पास है, नोट्स सारे मैं आपको लिखवाता हूं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी किताब को किसी नोट्स को मत पढ़ो, डर जाओगे, टेंशन में आ जाओगे या फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। जितना मैंने पढ़ाया सिर्फ उसे रटो, उसे डेली डेली रटो भी, समझो भी, सब कुछ करना पड़ेगा। देखिए रटना भी पड़ेगा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको रटनी पड़ेंगी, मुंह जबानी रटनी पड़ेंगी, ताकि या प्रैक्टिस करें तो उससे रट जाएंगी आपको। तो यही एक तरीका है डेवऑप्स में मास्टरी करने का, किसी ट्रेनिंग सेंटर किसी कोचिंग सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है, किसी टॉपिक के लिए कहीं किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना बता रहा हूं बिल्कुल सही है, आप सिर्फ उस पर फोकस करें। कई जगह मैं टेक्निकली कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने देखा है, कई लोग कहते हैं कि सर ये चीज शायद यहां पे आप ये बता दें डिटेल में बता दें, या इसका तो ये यूज भी हो सकता है। यार अगर आपको वो चीजें डिटेल में पता है बहुत अच्छी बात है, बट हमने कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया है कि हर बंदा डेवऑप्स को सीख सके, इसीलिए कुछ चीजें हैं जो हम स्किप भी कर देते हैं, कुछ चीजें हैं जो हम नहीं बताते, क्योंकि हमारा पर्पज है कोर्स को सिंप्लीफाइड फॉर्म में डिजाइन करना, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब आप सभी ने कर रखा है, जिन्होंने नहीं किया या पहली टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि कई सारे सब्सक्राइबर पुराने हमारे ऐसे हैं जिनको नोटिफिकेशन नहीं आते हैं बेल आइकन प्रेस ना होने की वजह से, तो आप बेल आइकन प्रेस करें, आपको पता चल जाएगा कहां पे बेल आइकन होता है, आप अपने मोबाइल में या आपको सिस्टम पे नजर आ जाएगा, बेल आइकन को आप प्रेस करें। और चलिए बात को आज किसी खूबसूरत
शेयर के साथ खत्म करते हैं। मैं आज सुबह की बात है, मैं आज जो है ऐसी दो एक मतलब मेरे दिमाग में आ गया, दो लाइनें मेरे दिमाग में आ गई, तो मैंने कहा कि चलो यार इसको कुछ लिखते हैं। तो ज्यादा तो मैं नहीं लिख पाया, वक्त की भी कमी होती है और उतना वक्त अब नहीं है शेर व शायरी लिखने का, लेकिन फिर भी मैंने जो लिखा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। बताइएगा कैसा है, आपकी तवज्जो चाहेंगे। मोहब्बत करो और बेकार हो जाओ, मोहब्बत करो और बेकार हो जाओ, जैसे किसी हादसे का शिकार हो जाओ। मोहब्बत करो और बेकार हो जाओ, जैसे किसी हादसे का शिकार हो जाओ। किसी रोज जिक्र करे वो पहाड़ों का तुमसे, किसी रोज जिक्र करे वो पहाड़ों का तुमसे, उठाकर बैग तुम कहो तैयार हो जाओ। और इस कदर मोहब्बत बेशुमार करे तुमसे, इस कदर मोहब्बत बेशुमार करे तुमसे, बहुमत में आई हुई सरकार हो जाओ। राज भी रखना बातें भी छुपाना, राज भी रखना बातें भी छुपाना, मगर जब नजरें मिलाओ तो अखबार हो जाओ। तो ये मैंने अभी कुछ लिखा था, आई डोंट नो अच्छा है बुरा है, अब उतना लिख नहीं पाता मैं, तो चलिए बताइएगा कमेंट बॉक्स में लेक्चर कैसा लगा। शायरी जैसी भी लगी कोई बात नहीं, ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।